सावन का ये तीसरा सोमवार है और इस तीसरे सोमवार पर हमने नरसिंहगढ़ की स्टोरी कवर की है और इसलिए की है ताकि यहाँ का नज़ारा आप देख पाएं। हरी बरसात में भी यहाँ पर दर्शक आते हैं और दर्शन करते हैं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं, बड़ा महादेव का आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपने घर को जाते हैं। शिवलिंग का आप तेज देख लीजिए, सावन का ये महीना तो ये दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हर किसी के लिए। हाँ, सावन का तीसरा सोमवार है और हम नरसिंहगढ़ में खड़े हैं, मध्य प्रदेश के मिनी कश्मीर नरसिंहगढ़ में, और यहाँ का दृश्य जब आपको दिखाएंगे तो इतना मनोरम दृश्य है यहाँ का कि आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। और मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल में हम आपको राजगढ़ की कुछ खास खबरें दिखाते हैं, वो खास खबरें जो शायद कोई अन्य चैनल नहीं दिखाता। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मिनी कश्मीर का मिनी नज़ारा आपको दिखाते हैं। कैमरामैन राहुल सांकला मेरे साथ है, पूरा जरा मनोरम दृश्य दिखा दीजिए राहुल। हरी हरी पहाड़ियाँ और बहुत ही शानदार ये दृश्य है और हम आपको बड़ा महादेव के दर्शन भी करवाएंगे। और ये सीढ़ियाँ आप देख लीजिए, आज जबकि सोमवार से पहले ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, इतनी भरी बरसात में भी यहाँ पर दर्शक आते हैं और दर्शन करते हैं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं, बड़ा महादेव का आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपने घर को जाते हैं। और सर जब आपको अंदर दिखाएंगे तो बढ़िया से झरने चल रहे हैं, बढ़िया सी चीज़ें हैं और बहुत ही शानदार नज़ारा है, क्योंकि ये बारिश का मौसम है और इसलिए मेरे हाथ में छतरी है और ये माइक के लिए भी थोड़ा सेफ्टी का के लिए अच्छा होता है। ज़रा सा गणेश भगवान के हम दर्शन करवा देते हैं आपको। बहुत ही शानदार ये नज़ारा है, बहुत ही मनोरम ये दृश्य है, आप देख सकते हैं। और चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, भक्तों की कतार लगी हुई है। ये राजगढ़ का नज़ारा है, धर्म की नगरी राजगढ़ और तहसील नरसिंहगढ़ है जो मिनी कश्मीर मानी जाती है पूरे मध्य प्रदेश में। ये भगवान गणेश का मंदिर है, हम थोड़ा सा वहीं से एंट्री करेंगे, वहीं से ऊपर चलेंगे और बड़ा महादेव का दर्शन करवाते हुए आपको बजरंग बली के दर्शन करवाएंगे और फिर आपको झरने के मनोरम दृश्य भी दिखाएंगे। कैमरामैन राहुल हमारे साथ है और एक बार दर्शकों की भीड़ को दिखा दीजिए राहुल, बहुत ही शानदार ये नज़ारा। बारिश के मौसम में यहाँ पर लोग घूमने आते हैं और कमाल का ये दृश्य है, आप देख लीजिए। कम से कम कई सारी सीढ़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है और उस सीढ़ियों को चढ़ करके यहाँ पर लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। ये गणेश भगवान का मंदिर है, आप एक बार और करीब से दिखा दीजिए। जय श्री गणेश, कैसे हैं आप? अच्छे। क्या क्या महिमाएं हैं थोड़ा बता सकते हैं? अच्छे महिमा, बढ़िया महिमा है। अच्छे सावन के महीने में अच्छी। ये गणेश भगवान की स्थापना कैसे क्या हुई थी थोड़ा? बहुत पुराना है वो तो स्थान। अच्छा, इसका इतिहास ही नहीं निकाल सकते? पिताजी को भी नहीं मालूम। अच्छा, हमारे पिताजी को भी नहीं मालूम थी। तो ये पहाड़ी के ऊपर अभी से बना हुआ है। 12 महीने ही पानी रहता है यहाँ पे। अच्छा, 12 महीने नीचे ट्यूबवेल बोल जाती है, बोलते नहीं पानी। अच्छा, न जाने कहाँ से आया। चलिए, यही महिमा है। जय श्री गणेश। हम बाबा महाकाल के दर्शन, माफ कीजिएगा, हम बड़ा महादेव के दर्शन आपको करवाएंगे और बहुत ही कमाल का दृश्य है और 12 ही महीने यहाँ पर पानी आता है, ऐसा गणेश जी के पुजारी ने हमको बताया है। और यहाँ पर एक बार राहुल ये दृश्य और दिखा दीजिए, सामने कितनी सुंदर पहाड़ियाँ बनी हुई है, कितना मनोरम ये दृश्य है और बहुत ही शानदार ये नज़ारा है। कभी आप आओ तो ज़रूर आइएगा नरसिंहगढ़ में, क्योंकि ये मिनी कश्मीर माना जाता है, छोटा कश्मीर। यानी कि आप सोच सकते हैं इसको छोटे कश्मीर की उपाधि क्यों दी गई है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये पहाड़ों में बसा हुआ है। तो चलिए अब बड़ा महादेव के दर्शन आपको करवाते हैं। विश्वनाथाय नमः, विश्वनाथ भगवान इनको बोलते हैं और नरसिंहगढ़ में बड़ा महादेव के नाम से प्रचलित है। ज़रा सा छतरी को हम क्लोज कर लेते हैं क्योंकि हम मंदिर में आ चुके हैं और अमन इस छतरी को ज़रा पकड़ लीजिए और आपको बड़ा महादेव के दर्शन करवाते हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर आपका ये जो दर्शन है ये सफल हो, इसलिए हम आपको ये दर्शन करवाते हैं। आप ज़रा अंदर थोड़ा सा दर्शन हम आपको करवा देते हैं। बड़ा महादेव के नाम से प्रचलित है ये मंदिर और शिवलिंग का आप तेज देख लीजिए, सावन का ये महीना
और ये दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हर किसी के लिए। हम पंडित जी से थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ की क्या क्या महिमाएं हैं। नमस्ते पंडित जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? मुख्य पंडित जी अभी आने वाले हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और बहुत ही शानदार है नज़ारा, आप जरा देख लीजिए, एक बार और दर्शन करवा दीजिए। राहुल, अभिषेक चल रहा है भगवान शिव का, इसलिए पंडित जी थोड़े व्यस्त हैं। और जय श्री महाकाल पंडित जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बाबा की कृपा है। आप सबका बाबा के दरबार में स्वागत है। श्रावण मास में बाबा बैद्यनाथ धाम पर पधारे सभी श्रद्धालुओं की हम बाबा की तरफ से शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद पेश करते हैं, प्रेषित करते हैं। आप परिपूर्ण रहे, धन्य रहे, जीवन आपका स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, यही कामना बाबा भोलेनाथ के दरबार से आप लोगों के लिए। थोड़ा सा पंडित जी 2 मिनट लेना चाहूँगा, क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का, क्या इतिहास आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? परमारकालीन मंदिर है जो लगभग 1000 साल पुराना है और ये मंदिर की जो कि अर्ध ज्योतिर्लिंगों में गणनाएं होती है। आजकल पात्री महाराज द्वारा इनको अर्ध ज्योतिर्लिंग घोषित किया गया है। आप देखेंगे कि पंडित पर बहुत सी परंपराएं जुड़ी हुई है। आप मंदिर के पीछे पशुपाग पाशुपाग पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे आप यहाँ पे स्वास्थ्य बनाने की परंपराएं जो संतान सुख प्राप्ति के लिए होती है। बाहर बाहर से दूर दूर के श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर बाबा के दरबार में आते हैं। बाबा के आशीर्वाद से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और श्रावण मास में वो आकर बाबा के चरणों में अभिषेक प्राप्त करते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बड़े व्यस्त समय में से आपने समय निकाला हमारे लिए। और दर्शकों की भीड़ यहाँ पर बहुत है और सावन का यह महीना है वो बहुत ही शानदार यहाँ का मनोरम दृश्य होता है और कमाल का दृश्य होता है। आएंगे नरसिंहगढ़, आपको जब मौका मिला तो आप जरूर आइएगा। मेरा कहना है कि इतना प्यारा मंदिर, इतना मनोरम दृश्य आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता। राहुल जरा संभल कर चलिएगा, बहुत ही शानदार ये दृश्य है। देखिएगा माता रानी यहाँ पर विराजमान है, वो काफ़ी कमाल का ये दृश्य है। ये जो पानी है ये केवल बारिश के मौसम में नहीं आता है सर, ये जो पानी है ये 12 ही महीने यहाँ पर रहता है, ऐसी यहाँ की महिमा बताई गई है। इस पानी को ज़रा ध्यान से देख लीजिए, आस्था का पानी है। यहाँ पर लोग बड़ी आस्था से आते हैं इतनी ऊँची पहाड़ी को चढ़ करके, और सावन के महीने में यहाँ की बड़ी मान्यता है। और बड़ा ही खूबसूरत ये मंदिर है, हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि बहुत ही कमाल का नज़ारा है और पानी जो है वो अब आपको देखने को मिलेगा। जिस नज़ारे की हम बात कर रहे थे वो नज़ारा अब आपको देखने को मिलेगा। और ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, ये देखिए लोग यहाँ पर मज़े लेते हैं कुछ इस तरह से, और बहुत ही शानदार ये नज़ारा है, बहुत ही कमाल का ये नज़ारा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, ये पानी उधर तक जा रहा है, ज़रा सा दिखा दीजिए राहुल। ये मिनी कश्मीर का नज़ारा है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। सावन का ये तीसरा सोमवार है और इस तीसरे सोमवार पर हमने नरसिंहगढ़ की स्टोरी कवर की है, और इसलिए की है तो ताकि यहाँ का नज़ारा आप देख पाएँ। यहाँ पर बहुत ही कमाल का नज़ारा है, ये पानी बहुत ही ठंडा महसूस होता है इस पानी से। राहुल थोड़ा सा संभल कर थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, थोड़ा सा अंदर तक आपको दिखा देते हैं कि ये पानी कहाँ से आता है और इस पानी की महिमा क्या है। ये पानी देखिएगा, बहुत ही मनोरम दृश्य रहता है यहाँ का, बहुत ही शानदार नज़ारा रहता है यहाँ का। और बड़े महादेव के दर्शन में आपको कई सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। माँ पार्वती का मंदिर आप देख सकते हैं, अभी ताला लगा हुआ है वहाँ पर, लेकिन हम आपको एक नज़ारा और दिखाना चाहते हैं। ज़रा सा ऊपर चलेंगे राहुल साथ में, बड़े परेशान हो रहे हैं राहुल, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सावधानी से चलना होता है, बड़ी सावधानी से निकलना होता है। और आप जब मिनी कश्मीर का बड़ा सा दृश्य देखेंगे तो आपकी आँखें ज़रा फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि ये कुदरत का बनाया हुआ शहर है, इसे मिनी कश्मीर कहा जाता है और ये राजगढ़ का नरसिंहगढ़ है।
हम मंदिर के टॉप पर आ चुके हैं। ओम नमः शिवाय आप लिखा रहा है, आप देख सकते हैं जगह जगह लिखा रहा है और बहुत ही शानदार। कितने ही नीचे से भक्त लोग आते हैं, आपको जरा दिखा देते हैं, बहुत ही कमाल का यह दृश्य है। हम मंदिर के एकदम टॉप पर आ चुके हैं अभी और बहुत ही शानदार दृश्य है। आपको हम जरा दिखा देते हैं कि यहाँ से कितना प्यारा लगता है नरसिंहगढ़। ये देखिए, वाकई में कुदरत का करिश्मा है। और इसे जो मिनी कश्मीर की जो उपाधि दी गई है वो ऐसे ही नहीं मिली है, वाकई में यहाँ पर मनोरम दृश्य है। और ये दृश्य को जरा दिखा दीजिएगा, उधर भी जरा दिखा दीजिएगा राहुल, बहुत ही शानदार ये दृश्य है, बहुत ही शानदार ये नज़ारा है। सावन का ये तीसरा सोमवार था और हमने सोचा कि आपको बड़ा महादेव के दृश्य दिखाते हैं। और बहुत ही शानदार ये दृश्य आपने देखे होंगे वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नरसिंहगढ़ के लोगों तक ही नहीं, पूरे राजगढ़ तक इसे पहुँचाइएगा, क्योंकि हम ऊपर पहाड़ी पर खड़े हैं सर, शहर पूरा नीचे बसा हुआ है, हम ऊपर पहाड़ी पर खड़े हैं। तो ये यहाँ की खासियत है, यहाँ की खूबसूरती है और इस खूबसूरती को यहाँ के लोग बरकरार रखते हैं। यहाँ की भक्ति कभी कम नहीं होती और यहाँ की भक्ति कभी कम नहीं होती, इसलिए आपने वो नीचे जब मंदिर में पानी वाला नज़ारा देखा होगा तब आपने देखा होगा कि ना केवल बारिश में जबकि हमेशा 12 ही महीने गर्मी में भी वो पानी इतनी ऊपर पहाड़ी पर आता है, और कैसे आता है यहाँ के लोगों का भी पता नहीं है। इस मंदिर का कुछ इतिहास लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये मंदिर इतना पुराना है, यहाँ के लोगों का मानना है कि इसका कोई इतिहास खोज नहीं सकता। तो यही नरसिंहगढ़ की खासियत है। सावन का यह तीसरा सोमवार था जिसमें हमने आपको दिखाया मिनी कश्मीर, नरसिंहगढ़ की के बड़ा महादेव की कहानी। अगर इस कहानी में आपको, इस वीडियो में आपको मज़ा आया हो तो हर हर महादेव का जयकारा लगाकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।